I worked with ABP 4, as I said, and then I didn't feel like I want to work there. And then I thought of preparing engineering services. Then one day, when call sir called me and said, you know, give this alumni meet mein kuch bolo. मैंने मेडीज ने भी मुझे बुलाया था इसके लिए बट आई डिडंट गो बिकॉज़ आई फेल्ट बहुत ज्यादा टॉपर स्टॉक अवेलेबल है कभी जरूरत नहीं है ऐसे बताने की अपनी जर्नी को बट जब मैं कॉलेज में थी आई मिस दिस मुझे ऐसा लगता था कि हमको पता होना चाहिए कि आफ्टर कॉलेज व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव सो आई एक्चुअली थैंक हिम कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया हमको पता होना चाहिए हम क्या क्या कर सकते हैं वन ऑफ देम इज इंजीनियरिंग सर्विसेज यू कैन गो फॉर पीएसयूज यू कैन गो फॉर द प्राइवेट सेक्टर बट एवरी पर्सन शुड टेल कि हाँ ये ऑप्शंस हैं ये हम काम करते हैं हमको नहीं पता होता है कि ONGC में जाके क्या होगा IOCL में जाके क्या होगा क्योंकि अल्टीमेटली जब आप वहां जाते हो काम करते हो देन यू रियलाइज यहाँ पे मुझे काम करना है क्या So I'll be talking in this talk कि मैं एक इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करके रेलवेज में क्या काम करती हूँ तो अभी रेलवेज ने तो विड्रॉ कर लिया इंजीनियरिंग सर्विसेज से लेकिन बाकी सर्विसेज भी आप पैरेलली ड्रॉ कर सकते हैं कि वो क्या करती होगी रेलवेज ये करती है तो नेवी क्या करती है ऑर्डिनेंस ने भी अब बंद हो गई है तो जो जो सर्विसेज बची है वहाँ पे CPWD है MES है वो क्या करते होंगे पैरेलली आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसे मैं रेलवेज में क्या काम करती हूँ एंड देन कॉलेज में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के एंड कुछ केसेस फ्रॉम माई जर्नी जिसने मुझे मोटिवेट किया या थिंग्स विच आई फील कैन हेल्प यू व्हेन यू आर प्रिपेयर सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे आपको कहीं पे भी बहुत बोरिंग लगे जस्ट से कि स्किप इट बिकॉज मैंने इस तरीके के टॉक्स पहले नहीं दिए सो मुझे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा क्योंकि आई एक्चुअली मिस दिस थिंग इन कॉलेज कि कोई आके हमको बताए बिकॉज इंजीनियरिंग सर्विसेज का मैंने ABB ज्वाइन करने के बाद सुना कि ऐसी कोई होती है चीज जिसमें हम कर सकते गेट मैंने बहुत सुना था ESE का मुझे आइडिया नहीं था कि हम कैसे करते हैं या ये हमारे लिए है या हम हाउ डू वी प्रिपेयर कुछ आइडिया नहीं था मुझे और बहुत सारे लोग सो फर्स्ट आई विल टेल यू कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में आई एम इनटू रेलवेज IRSW बोलते हैं इंडियन रेलवे मतलब सर्विसेज जो मेरी है वो इलेक्ट्रिकल है तो मैं इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे क्या करती हूँ जो भी आपको इलेक्ट्रिकल रिलेटेड चीजें लगती हैं ट्रेन में चाहे वो एक लोकोमोटिव में हम मोटर पढ़ते हैं हम जो पावर सिस्टम पढ़ते हैं जो तारे ऊपर से जाती है जिससे कि एक ट्रेन पावर विड्रॉ लेती है या फिर आप प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी लाइटिंग देखते हैं लिफ्ट्स देखते हैं एलिवेटर्स देखते हैं ये सारा काम इलेक्ट्रिकल का है थोड़ा बहुत काम है मैकेनिकल का भी देख लेते हैं हमारे रेलवे के जितने भी एसेट्स हैं उसको मेंटेन करने का काम जो करते हैं वो हमारी सर्विस करते हैं इलेक्ट्रिकल की बात करें इसी तरीके से मैकेनिकल अपना करेगी SNT मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स अपना करेगी चार सर्विसेज जो हैं वो अपना काम करेंगी इसी तरीके से सिविल सर्विसेज वाले भी आते हैं रेलवे में सो इस तरीके से हम मेंटेनेंस का काम करते हैं जब आप मेंटेन कर रहे हो सो यू विल अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दैट अब जैसे मैं यहाँ पर BCT में हूँ BCT मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो मुंबई लोकल जो आप मूवीज में देखते हैं जो मुंबई लोकल चलती है मैं उसमें वेस्टर्न रेलवे में उसकी मेंटेनेंस करती हूँ अभी मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग में हूँ दिस इज द लास्ट फेज ऑफ माई ट्रेनिंग तो वो अब उसमें कोई भी इशू आएगा चाहे उसकी मोटर में इशू आए चाहे उसके कंप्रेसर में इशू आए चाहे उसकी वेंटिलेशन में इशू आए जहां भी इलेक्ट्रिकल की रिलेटेड चीजों में इशू है उसको सॉल्व करना फाइंड करना सबसे पहले ट्रेन खड़ी हो गई कैसे खड़ी हो गई मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मेरी ट्रेन क्यों खड़ी हुई है रास्ते में या उसकी पंक्चुअलिटी क्यों लूज हुई है उसको फाइंड करना उसको ठीक करना वो मेरा काम मेरे अंडर अब जैसे मैं यहाँ पे मतलब मेरे शेड में 1100 लोग हैं 3 शेड्स मिला के वेस्टर्न रेलवे का लोकल वाला पाथ बना है तो मेरी जॉब टेक्निकल जॉब नहीं है मेरी जॉब टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट की जॉब है बहुत ज्यादा टेक्निकल काम नहीं क्योंकि प्योरली टेक्निकल काम कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं हम सो मेरा काम है कि मैं अपने लोकोस का मेंटेनेंस रखूं जो मेरे मतलब मेरी रेक्स है जो आप मुंबई लोकल देखते हैं उसको मेंटेन करूं मैकेनिकल पार्ट भी हम ही करते हैं उसका मतलब जो बोगी वाला सेक्शन है वो भी हम करते हैं खाली इलेक्ट्रिकल ये नहीं सोचना होता हमको कि मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल का काम करूंगा प्लस उन 1100 लोगों की उसको मैन पावर को भी अच्छे से रखना कि वो अच्छे से काम करे क्योंकि मेरा काम है अल्टीमेटली कि मेरी लोकल ढंग से चलनी चाहिए तो वो काम एक इलेक्ट्रिकल का मेरे डिपार्टमेंट का इसी तरीके से जो मोटरमैन उस गाड़ी को चलाता है वो भी इलेक्ट्रिकल देखता है इसी तरीके से जिन तारों से जिसे हम OHC कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ली जाती है वो काम भी इलेक्ट्रिकल करता है उसकी मेंटेनेंस भी दिन रात इलेक्ट्रिकल करता है तो यहाँ पे कोई भी इशू आता है वो इलेक्ट्रिकल हैंडल करता है प्लस वन इज पावर जनरल सर्विसेज मतलब जो आप स्टेशन पे लाइटिंग देखते हैं लिफ्ट एलिवेटर मतलब रेलवे का डायरेक्टली नहीं बट हमारे क्वार्टर्स में जो लाइट्स लगी है उस तरीके के सारे काम को हम जनरल सर्विसेज कहते हैं वो भी इलेक्ट्रिकल करता है तो ऐसे 4 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे इसमें से आप कहीं पे भी पोस्ट हो सकते हैं तो ये काम एक इंजीनियरिंग सर्विसेज का है मेंटेनेंस का मेंटेनेंस करते करते आपको रियलाइज होगा ये मॉडिफिकेशन की नीड है वो मॉडिफिकेशन बताना सो यहाँ पर यू हैव एन ओपन डोमेन टू इम्प्रूव द सिस्टम
and this is a techno managerial job. This is what an engineering services person do. ये हर एक जगह करेगा. वो MES में भी maintain करेगा. Navy के भी सारे जितने भी आप missiles देखते हैं, जो भी देखते हैं, उनको maintain करने का काम है. वो workshop में उसको ठीक करेंगे. ये हर एक throughout एक officer का यही काम है कि वो maintain करे अपनी चीजों को, अपने assets को, और improvement का scope लेकर आए. Plus जितना भी man है उसके पास, उसको manage करे. This is what we do. Now after that I've told कि एक engineer, अब अगर आपका इस तरीके की job का मन है, then only you prepare for this because you have so many options. PSU बिल्कुल अलग function करती है. Sir told कि Lokesh ने already class दे दी है, तो उन्होंने बताया होगा कि IOCL कैसे काम करती है. तो first you know कि आप वहाँ पे वैसा काम करना चाहते हैं कि if you want to do such work, then you join engineering services. अगर आपको purely technical काम करना है, तो engineering services purely technical काम नहीं करती. ये दोनों मिलकर करती है. I would say management ज़्यादा करती है. जैसे जैसे आप senior होते जाएंगे, my work would be to manage the things rather than technical work. So अब मैं आपको बताती हूँ कि prepare कैसे करना है. I assume कि आप लोग second year में भी हो सकते हैं, third year, final year, I do not know audience कैसी है, but मैं assume कर लेती हूँ. सर मतलब ये final year के students हैं सारे? नहीं, final year नहीं, it's a mixed bag from somewhere around from second year onwards. Second year only. Yeah, today our audience are only 16, but I believe that it's more of from, there is one somebody in the chat box who is writing I'm from first year. So he has started early and I hope that he will get some benefit. Overall, the people will be from number of different years, from third, primarily from second, third and final. Okay, sir. तो अभी मैं बताती हूँ कि अगर मैं कॉलेज में होती और मैं इसकी तैयारी करती, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इन द कॉलेज, तो मैं कैसे करती? क्योंकि अब मैंने क्लियर कर दिया इस एग्जाम को, तो मैं बता सकती हूँ. तो वो मैं आपको बताऊंगी. तीन स्टेजेस होते हैं इस एग्जाम के, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है इंजीनियरिंग सर्विसेज. इसको जो है चाहिए वो है आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें. इट नीड्स टाइम. और मुझे लगता है हर एक एग्जाम ऐसा ही है कि उसको टाइम चाहिए. कोई भी जो आपने सबसे टफ एग्जाम क्लियर किया है वो जेई, मेंस और एडवांस्ड. आई थिंक उसके बाद कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है. एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस. जेई मेन्स एडवांस मैंने कभी तैयारी नहीं की. मेरे छोटे भाई ने तैयारी की. एनी ऑलवेज इज यार वही लेवल का एग्जाम होता है. सो इंजीनियरिंग सर्विसेज इज नॉट टफ. गेट इज नॉट टफ. ऑल दीज एग्जाम्स नीड प्रैक्टिस. लाइक मोर यू प्रैक्टिस आपका सिलेक्शन हो जाएगा. तो इसके जो तीन स्टेजेस हैं, मैं पहले प्रीलिम्स की बात करती हूँ. तो मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब जितने भी बच्चे हैं आप इसे कॉलेज में कर सकते हैं. कोई कोई मुझसे पूछे कोचिंग जरूरी है क्या? आई विल नॉट से कोचिंग बुरी है. कोचिंग मतलब ऐसी है जैसे कुछ बच्चे, मैंने नहीं करी है कोटा में कोचिंग, बट बहुत सारे लोग कहते हैं यार कोटा में मजा आ जाता था फिजिक्स पढ़ के ना. सर ऐसे बोलते थे कि यार मजा ही आ गया, क्या ही पढ़ा दिए. तो मैंने वो वाली कोचिंग नहीं करी, ना मैंने उसकी तैयारी करी है. बट मैंने यहाँ पर कोचिंग करी तो मुझे ऐसा लगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मुझे कॉलेज में मैं क्लियर नहीं कर पाई वो वहां पर क्लियर हो गए. सो इट वॉज मोर लाइक कि मुझे ऐसा फील हुआ मेरी बीटेक जैसे हो गई. सो आई विल नॉट से कोचिंग इज बैड, बट आई विल से कि इतने रिसोर्सेज अब अवेलेबल हैं कि आप कॉलेज में बैठे बैठे, क्योंकि यू हैव फैकल्टी ऑल्सो, आप कर सकते. ESE एंड गेट इज नॉट टफ इफ यू आर लिटिल बिट डेडिकेटेड. और मैं ये चीज आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, लाइफ में कुछ चीजों को आप मतलब करनी ही करनी है. जैसे कि एक चीज है कि मुझे गोवा घूमने जाना है अपने दोस्तों के साथ. इस चीज को मैं 30 साल में भी कर सकती हूँ, 25 में भी कर सकती हूँ, 35 में भी कर सकती हूँ. करियर तो यार बनाना ही बनाना है ना. करियर आपको बनाना ही बनाना है. तो उसको आप जितना डीले करते जाओगे उतनी स्ट्रेस लेवल बढ़ती जाएगी. सो आई वुड से कि करियर को लेके सीरियस हो जाओ. ये लाइफ का सब मतलब ऐसे बोला जाता है लाइफ के टू मेजर पिलर्स होते हैं, मैरिज एंड करियर. तो करियर यार आप प्लीज अपने उस पर थोड़ा सा सीरियस रह के करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, यू विल रियलाइज स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं कि आपको यार कुछ तो बनना है. सारे आपके आसपास के लोग बन जाते हैं. तो फोकस ऑन इट इन कॉलेज. एक बार बना लो फिर सारी चीजें कर लेना लाइफ में, लेकिन पहले करियर पे फोकस करो जो भी तुम्हें करना. सो इफ इट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज, आई विल टेल यू, प्रीलिम्स के दो पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू. जो मुझे बेस्ट अप्रोच लगती है मैं वो बता दू. तो प्रीलिम्स का जो पेपर वन है, इसमें ऐसे क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स वैसे तो कॉलेज के करिकुलम में भी होते हैं, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा. जैसे दिन में अगर आप 3 घंटे भी दे देंगे, अगर आप सेकंड ईयर से हैं, फर्स्ट ईयर वाले भी अगर थोड़ा थोड़ा, फर्स्ट ईयर वाले तो मैं कहती हूँ मैथ्स और एप्टी की किताब मंगवा के मेड इजी है इसकी, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशियंट है. उतना ही आप कर लो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. तो सेकेंड ईयर से जो बच्चे हैं, या पहले भी कर सकते हो ऑब्वियसली, पेपर वन में मिसलेनियस से आते हैं, करंट अफेयर्स आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी, CPM पार्ट, उस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा आती है. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप मेड इजी का
जो इसका एक मटेरियल आता है उसकी सात आठ बुक्स आती है वो आप मंगवा लीजिए जस्ट टू सी द टॉपिक्स. ठीक है, आप उनको पढ़ लीजिए. यूट्यूब पे बहुत सारी हर एक टॉपिक पे वीडियोस अवेलेबल है, मतलब आप सर्च करेंगे टॉपिक वाइज तो किसी ने समझा रखा है. अभी बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है, मतलब मेरे जब मैं दे रही थी पेपर 19 में मैंने ऐसे ही टॉपिक समझी थी कि एक टॉपिक मैं लिखती थी क्योंकि मेरे टाइम पे कोचिंग में टाइम खत्म हो गया था, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा नहीं पाए थे इस चीज को, तो मैं ऐसे टॉपिक देखती थी उसको थोड़ा सा देख लेती थी 5-10 मिनट की वीडियो, वो टॉपिक मेरा रेडी हो जाता था फिर नेक्स्ट. पेपर वन के लिए आप मेड इजी की टेस्ट सीरीज कर लेंगे. देखिए ऐसा ही पढ़ना है इसको, आप मेड इजी की टेस्ट सीरीज कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से करना है. जितनी मेड इसमें मैं मेड इजी बोल रही हूँ पेपर वन, क्योंकि ये जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं इसमें हाईली स्कोर करते हैं क्योंकि ये उस टाइप का पेपर है जिसमें थोड़ा सा आपको एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस, बहुत ज्यादा आप इसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है. तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सिलेबस को बस मेड इजी की किताबों तक रखिए, बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए. करंट अफेयर्स देखो कुछ भी आ सकता है, वैसे ये बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स कभी कभी आते हैं कभी कभी बिल्कुल भी करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, तो पेपर वन आपका वैसे ही हो जाता है. बस उनको 7 किताबें होती हैं छोटी छोटी सी, उनको एक बार रीड कर लीजिए एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मेड इजी जो टेस्ट सीरीज में. इससे ज्यादा टाइम पेपर वन को मत दीजिए तो आपका ये पेपर वन हो जाता है. व्हेन आई टॉक अबाउट पेपर टू एंड मेंस, पेपर टू इज टेक्निकल पेपर एंड मेंस में पेपर वन एंड पेपर टू बोथ आर टेक्निकल. सब्जेक्ट्स डिवाइड किए हुए हैं, पेपर वन में शायद नेटवर्क्स है, पेपर टू में जैसे मशीन्स है, तो इस तरीके से इन्होंने सब्जेक्ट्स डिवाइड किए हुए. इसकी आपने क्यूमुलेटिव तैयारी शुरू करनी है अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में है. फाइनल ईयर वालों को तो ऑब्वियसली मतलब वो भी ऐसे शुरुआत तो ऑब्वियसली ऐसे ही करेंगे. तो कैसे करना इसमें आपको क्या करना है, देखिए इफ आई टेक द बुक ऑफ भीमराव और इफ आई टेक द बुक ऑफ नागराज दे आर लाइक गुड बुक्स, आई विल नॉट से दे आर बैड बुक्स, बट आप वो बुक आपको पीएचडी नहीं करनी, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है वो बुक्स. आप उनको पढ़ने लगेंगे एक तो डिप्रेशन हो जाता है, इतनी मोटी किताब है. ठीक है, अगर आप सहानी पढ़ने लगेंगे इतनी मोटी किताब है, हाउ आर यू गोइंग टू डू इट. और हम उस स्टेज में, मतलब मेरे को ऐसा लगता था मैं उस स्टेज में इतनी केपेबल नहीं हूँ कि मैं एलिमिनेट कर पाऊँ मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना. ये चीज मेरे साथ कॉलेज में बहुत ज्यादा हुई है. मैं लाइब्रेरी में किताबें लेके बैठी रहती थी लेकिन मुझे समझ नहीं आता था मैं कहाँ पे रुकूं. मतलब मेरे को होता था कि यार ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, अगर मैं किसी भी चीज के लिए पढ़ रही हूँ मेरे को वो एक पॉइंट मैं एलिमिनेट नहीं कर पाती. कुछ बच्चे कर पाते हैं, आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट. तो बेस्ट चीज इसकी ये है कि आप एक मटेरियल मंगवा लीजिए, जैसे आप पेपर वन का मटेरियल मंगवाया है वैसे आप मेड इजी से मंगवा लीजिए, एस से मंगवा लीजिए. क्योंकि मैंने मेड इजी का देखा है तो देखिए जो प्रीवियस ईयर बुक्स हैं वो मेड इजी की अच्छी नहीं है, बहुत एरर्स हैं उसमें. तो प्रीवियस ईयर बुक्स आप कभी भी रेफर करेंगे, अगर आप गेट के लिए रेफर करते हैं तो रेफर ऑफ क्रिएट्रिक्स, अगर आप ईएससी की रेफर करते हैं रेफर ऑफ एस एकेडमी. प्रीवियस ईयर बुक्स डोंट रेफर ऑफ मेडीजी. तो आप एक किताबें मंगवा लीजिए, सपोज आपने मेडीजी की मंगवा ली, मेरे पास मेडीजी की थी, उसमें आपको टॉपिक्स पता लग जाएंगे ये टॉपिक्स पढ़ने. अब उन टॉपिक्स की यूट्यूब पे बहुत वीडियोज है, आपकी फैकल्टी भी है वहां पे. आप एक टॉपिक पढ़ लीजिए, सपोज मैंने एक टॉपिक ले लिया बग बूस्ट कन्वर्टर. ठीक है, बग बूस्ट कन्वर्टर की मेरे ख्याल से क्रिएट्रिक्स ने भी बहुत वीडियोस बना रखी हैं, गेट एकेडमी ने भी बहुत बना रखी हैं, प्लस यू विल हैव मैम आर इंजीनियरिंग फिजिक्स स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज. सी एनीबडी कैन गिव, जो भी बीटेक है वो गिव्स ये एग्जाम दे सकता है आउट ऑफ एनी 4 सर्विसेज. मतलब मैं जैसे इलेक्ट्रिकल की हूँ मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविल का भी दे सकती हूँ, तो वो डिमांड नहीं करता कि आपकी सेम बीटेक होनी चाहिए. सो इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग फिजिक्स आप इलेक्ट्रिकल मतलब सर्विस 4 ही हैं अभी तो, जैसे विड्रॉ कर लिया रेलवे ने तो आप अच्छा आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें ना, हाँ सो यू कैन गिव फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और सिविल. मतलब ओनली इंजीनियरिंग इज द क्राइटेरिया. मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शायद एक सर है शायद दानिश सर, आई माइट बी रॉन्ग, वो कंप्यूटर साइंस के हैं और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से ESE क्लियर किया. सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी बीटेक सेम, सो यू कैन गिव एग्जाम मतलब आपको, बट ऑब्वियसली आप फिजिक्स से हैं तो हाउ विल यू, यू हैव टू चूज वन, एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी आपको. तो आप ऐसे बुक्स मंगवा लिया आपने, हाँ तो आपने बुक्स मंगवा लिया, अब उसमें आपको टॉपिक्स पता चल गया. अब जैसे मैंने बताया बग बूस्ट, क्रिएट्रिक्स, गेट एकेडमी, बहुत सारी है, इन दोनों को मैंने रेफर किया था, आपने वो टॉपिक पढ़ लिया. ऐसे करके बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करनी, यू आर जस्ट डूइंग बीटेक, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया एंड देन स्टार्ट मेकिंग नोट्स. एक बार जब आपने सब्जेक्ट या टॉपिक कंप्लीट कर लिया स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. ये मेरी गलती थी कि मैं क्वेश्चंस कम सॉल्व करती थी, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देती थी. देखो इंजीनियरिंग इज नॉट, आप MSc नहीं कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं एंड यू विल अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो इस चीज में मत रहिए कि आई जस्ट रीड थ्योरी या आई जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस. मतलब इवन इफ यू जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस आपका सिलेबस आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा,
But just reading theory is not sufficient in engineering. You need to solve questions. तो इसमें आप जब आप उतना सिलेबस मतलब इन किताबों का फायदा ये होता है आपका सिलेबस बहुत डिफाइंड हो जाता है कि इतना ही पढ़ना है इससे ज्यादा फिर बड़ी बड़ी किताबों को देख के आपको डर नहीं लगता. अब जैसे मैंने कोचिंग ली है बट स्टिल मैं अशफाक हुसैन रेफर करती थी जहां पे मुझे समझ नहीं आता बट वो मेरा टाइम लेती थी बहुत ज्यादा. तो आपको सिंपली सिलेबस देखना है क्वेश्चन सॉल्व करना है जहां पे भी आप अटक रहे हैं 10 मिनट दीजिए. मैं 4-4 घंटे देती थी इस वजह से मेरा टाइम बहुत गया है. मतलब ये सारी गलतियां करी है जो मेरा नहीं हुआ मेरे इंटरव्यू के बाद रह गई थी और मैंने एनालाइज किया कि ये मेरी गलती है और फिर मैंने दोबारा एग्जाम दिया तब मेरा क्लियर हुआ था. तो कभी भी किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना. आपने 10 मिनट देखना आपको समझ आ रहा है कोई बात नहीं उसको एक क्वेश्चन मतलब लगा दीजिए कि मैं बाद में देखूंगा कम बैक टू इट. तो आप इसमें जितने बच्चे देखेंगे जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक तो आपको समझ उतना ज्यादा आएगा वो कॉन्सेप्ट प्लस अगर कहीं पे आप अटक रहे हैं वो किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा. हो सकता है वो कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड हो अभी के लिए उसे छोड़ दो एंड देन यू नो यू प्रिपेयर. सो दैट इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर मेंस. आपको गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही करने हैं. गेट के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई वुड रिकमेंड क्रिएटरिक्स की किताब अच्छी है फॉर प्रीवियस ईयर. मेड इजी में बहुत गलती है. तो अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं आपने पावर सिस्टम कर ली उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए जो भी आपने सब्जेक्ट कर लिया उसके बाद आपको इतनी हेल्प मिलेगी टू क्लियर मेंस. सिमिलरली जब आप मेंस के क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको इतनी हेल्प मिलेगी इन गेट आपको रियलाइज होगा बहुत इंटररिलेटेड बहुत ज्यादा मतलब आपके बहुत एंड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनके करता आप रेफर करिए फॉर मेंस. मतलब जो मेंस के लिए उसकी आई थिंक फ्री में ही आती है. अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो वो फ्री में घर पे भेजते हैं. तो वंस यू क्लियर प्रीलिम्स मेंस के लिए आप ऐसे कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ यू नीड टू डू इट. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये एग्जाम. जस्ट इट नीड्स प्रैक्टिस और थोड़ा सा आपको ये एलिमिनेशन आना चाहिए कि मेरे को इतना ही पढ़ना. बहुत ज्यादा पढ़ने लगेंगे तो कुछ नहीं होगा. इट जस्ट नीड्स रिपीटेशन. जैसे सिविल सर्विसेज वाले भी यही चीज बोलते हैं कि इतनी ही किताबें पढ़ी बार बार पढ़ी. तो आपको भी इसमें ये चीज रखनी है इतनी ही किताबें पढ़िए बट बार बार पढ़िए. इंटरव्यू के लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अभी या मैं अभी बोल देती हूँ. इंटरव्यू में क्या है कि दिस इज नॉट इवन इंटरव्यू दिस इज अ पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोलते भी पर्सनालिटी टेस्ट. इंटरव्यू में जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है यार कितना सारा है पढ़ने को क्योंकि कोई चेयरमैन आपसे पूछेगा कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज बताओ. कोई चेयरमैन आपसे पूछेगा कि यार मुझे बताओ कि इंडिया नेपाल में क्या इशू चल रहा है. कोई पूछेगा अच्छा मुझे एक्सप्लेन करो इंडक्शन मोटर कैसे फंक्शन करता है. अभी आपको लग रहा है मैं सब कर दूंगा बट वहां पर जब आपके पास 1 महीना होता है और अगले महीने आपका इंटरव्यू है तो आपको लगता है एक तो स्ट्रेस होता है आप कैसे करेंगे ये सब चीजें. तो बहुत ज्यादा हो जाता है पढ़ने के लिए. तो तभी इसका नाम ना पर्सनैलिटी टेस्ट. अगर मेरे को 10 questions इंटरव्यू में पूछे गए और मैं 10 में से 9 questions का बोल के आती हूँ आई डोंट नो सर फिर भी आई कैन एक्सपेक्ट द हाईएस्ट मार्क्स बिकॉज वो देख रहे हैं हाउ आर यू डीलिंग विद द सिचुएशन. वो लोग हमसे उम्र में बहुत बड़े मतलब वो हमारे पेरेंट्स या उनसे भी बड़े. तो वो वहां पे बैठ के ये नहीं देख रहे आपकी टेक्निकल नॉलेज कितनी है. वो प्री मेंस में आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. तो जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं स्पेशली सरकारी वाले एग्जाम्स के लिए तो मैं खासकर बोल सकती हूँ. इनफैक्ट मैंने एबीबी का भी दिया तो मेरे को वहां पे भी ये सेम चीज लगी. ऑलवेज बी हम्बल अच्छे से बात करो अपने बोलने पे फोकस करो कि आप कैसे बात करते हो. और अगर आप डरना नहीं है मतलब देखो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा ऑफिसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बाद में जाके 5,000-6,000 स्टाफ को डील करेगा. मतलब 11 लाख से 13 लाख के लोग काम करते हैं रेलवे से उतने लोगों को आपको हैंडल करना. तो आप एकदम से स्ट्रेस में आ जाएंगे तो वो चीज उनको नहीं चाहिए. व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज कि आपकी पर्सनालिटी बहुत स्टेबल हो आप हम्बल हो आपको बात करने का तरीका आता हो एंड अगर कोई चीज नहीं आती तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर पाए. तो आपको ये पर्सनालिटी एक दिन में नहीं आएगी मतलब यू बी दैट पर्सन. एंड आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अगले आधे घंटे में या पौने घंटे में वो आपकी पूरी पर्सनालिटी जज करने वाली. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी आई वुड से काम. और जितना आपसे और प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी वही आपको बहुत सारी ट्रांसक्रिप्ट्स मिल जाएंगी पिछले इंटरव्यूज में क्या हुआ है उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग जाएगा ये क्या पूछते हैं. अपनी आपने जो प्रीलिम्स और मेंस में थ्योरी पढ़ी है उसको रिवाइज कर लीजिए. थोड़ा थोड़ा आप न्यूज पढ़ने लग जाइए रोज के न्यूज पढ़ने लग जाइए. बहुत सारे सिविल सर्विसेज के चैनल्स हैं जिसपे न्यूज आती है चाहे आप यूट्यूब पे देख लीजिए चाहे आप थियोरेटिकली पढ़ लीजिए जो मतलब इनसाइट्स और ये सब आप पढ़ने लग जाइए. आपको मजा भी आएगा क्योंकि आपने इतनी देर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की अब एकदम से आप पढ़ेंगे अच्छा अमेरिका और इराक में क्या चल रहा है अमेरिका और ईरान में क्या चल रहा है तो आपको मजा आए.
तो वो सब आप पढ़ने लग जाइए, जैसे जैसे आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, वो मतलब मजा आता है, बहुत स्ट्रेस रिलीविंग होता है। प्लस एक चीज जो मैं एक्स्ट्रा करती थी वो ये था कि मैं हर एक वीडियो देखने के बाद, मतलब कोई भी सपोज मैंने वीडियो देखी कि इंडिया में पावर रिक्वायरमेंट कितनी हम कितनी है और हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस पे मैंने एक वीडियो देखी, सपोज आरएसटीवी पे मैंने एक वीडियो देखी, एक घंटे की वीडियो, लेकिन इसके बाद ना मैं 15 मिनट शीशे के सामने जाके जो भी मैंने सुना है अपनी भाषा में मैं बोल के देखती थी, मैं ठीक से बोल पा रही हूँ, इससे मेरी रिविजन भी हो जाती थी और मेरे को पता भी लग जाता था कि मैं सही से बात कर रही हूँ। तो इंटरव्यू में आप जितना बोलेंगे, लोगों से बात करेंगे, और एक चीज होती है आप डैफ फिल करते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपके बायोडेटा की तरह होता है, सीवी की तरह होता है वो, उसमें आप जो जो फिल करते हैं एकदम सच सच फिल करिए, इंटरव्यू में जाके भी एकदम सच सच बोलिए, तो वहां पर जो चेयरमैन होता है उसको कॉन्फिडेंस आता है कि जिस इंसान को मैं मार्क्स देने वाला हूँ ही विल बी अ गुड पर्सन, मतलब ये अच्छा आदमी बनेगा, वहां पे कुछ भी फेक नहीं करते। इंटरव्यू तक आपको खुद ही पता लग जाता है वैसे क्या करना है, बट प्रीलिम्स और मेंस मेन होता है, उसके बाद लाइक यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप करेंगे। So this was like how I, मतलब I feel कि कैसे prepare करना चाहिए, मतलब अगर मुझे फिर से अब college में जाने का मौका मिले तो मैं इस तरीके से शायद मतलब prepare अपने आप मतलब खुद ऐसे prepare करती हूँ। Now it is what issues I faced, like it is like my journey, तो मेरे क्या issues थे and how I overcame them। So just a second। सबसे पहली चीज थी जो मैं मतलब बहुत पहले से फेस कर रही थी, दैट इज अंडर कॉन्फिडेंस। मुझे हमेशा लगता था यार ये कर सकता है, वो कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। अगर आप हैंडराइटिंग खराब है क्या करूं, हाँ मैं आपको बताती हूँ मेरे की क्या है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एक मिनट। मैम हैंडराइटिंग खराब है क्या करूं, मेरी एक फ्रेंड है उसकी हैंडराइटिंग इतनी खराब थी जिसकी कोई हद नहीं, शी गॉट आई थिंक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट शी गॉट AIR 12, तो हैंडराइटिंग उसकी जितनी खराब तो किसी की भी नहीं हो सकती है, सो हैंडराइटिंग डज नॉट मैटर। देखो ये एग्जाम में मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स में 3 मैं सुंदर लिख दूं आप खराब लिख दें डजंट मैटर, तो हैंडराइटिंग आप वैसे भी इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो हैंडराइटिंग इतनी खराब रहती नहीं है, जस्ट थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए। दिस इज नॉट आई थिंक आई डोंट थिंक सिविल सर्विसेज में भी मैटर करती होगी, बट उसमें फिर भी करेगी, आप पूरा ही पूरा कुछ लिख रहे हैं, हमारे तो न्यूमेरिकल्स हैं यार, so it doesn't matter। I'm preparing for gate 2023, I taking 2 subjects in parallel, but ma'am how to do effective revision, yes ha revision pe to maine baat hi nahi kari। dekhiye revision ke liye main kya karti thi, morning mein 1 hour revision karti thi। revision karna sabse gandi cheez lagti hai ki yaar ye pad liya dobara padhne ka mann nahi hai। revision mein maine 2 kaam kiye the, ek to maine short notes banaye the, short notes mein main sirf formula likhti thi या जो मुझे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लगते थे जो मैं बार बार भूल रही हूँ, वो एक बार में आपको नहीं आएगा, जब आप एक बार सब्जेक्ट कर लेंगे, जब आप दूसरी बार सब्जेक्ट पे आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करके, तब आपको लगेगा कि यार ये चीजें मुझे नोट कर लेनी चाहिए। तो एक छोटी सी कॉपी मेंटेन करिए, उसमें बहुत कम लिखना है, तो सब्जेक्ट वाइज आप उसे डिवाइड कर लीजिए और उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, या जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं या टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं स्किप करना है, वो आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे अच्छा हो जाएगा। हर साल दे दीजिए टेस्ट सीरीज, मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट होते ही उसके सारे टेस्ट दे डालो और उन टेस्ट को एनालाइज करो। मतलब मैं क्या करती थी, मैंने जैसे टेस्ट दिया तो मैंने सपोज 3 घंटे का टेस्ट दिया, फिर मैं थोड़ा रेस्ट लेके 1.5 घंटा फिर से उस टेस्ट पे लगाती थी, मैं सारे क्वेश्चंस को देखती थी मैंने कैसे सॉल्व किए, जो गलत थे उनको फिर से, जो मेरे को आते ही नहीं थे उनको फिर से, तो टेस्ट करती थी। और रिविजन में हर रोज सुबह 1 घंटा करती थी और संडे को मेरे ख्याल से मैं 2-3 घंटे देती थी रिविजन को, और रिविजन के लिए मैंने अलग से शेड्यूल बनाया हुआ था, जैसे मेरे को अब सपोज मैं 2 सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, पिछले 2 सब्जेक्ट्स हो रखे हैं, तो मैं फिर भी 1 आवर उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती रहती थी, उनके फॉर्मुले देखती रहती थी, तो मैंने डिवाइड किया हुआ था डेली 1 आवर इन द मॉर्निंग और संडे को मैं 2-3 घंटे देती थी। मैम हैंडराइटिंग खराब है, मेकिंग शॉर्ट नोट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने बोल भी दिया शॉर्ट नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से तो बनाना सबसे अच्छी चीज है, जो मैं आपको बता रही हूँ जिस मेरी फ्रेंड जिसकी हैंडराइटिंग खराब थी, शॉर्ट नोट्स की वजह से शी यूज टू से कि यार इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, सो उसकी शॉर्ट नोट्स की कॉपी शायद अभी भी मेरे पास है, वो मतलब इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर गेट एंड ESE वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर कॉन्फिडेंस मतलब नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल भी स्कोप ही नहीं है, कभी भी ये मत सोचिए, बहुत सारे लोग आपसे स्मार्ट होंगे, बहुत सारे लोग आपसे कम स्मार्ट हैं, कभी भी उन लोगों को देख के नहीं सोचना है कि यार मैं नहीं कर सकती। मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ, मेरे को अंडर कॉन्फिडेंस इसलिए था, आज भी मैंने लुक बैक, आई वाज नॉट अ पर्सन जिसको इलेक्ट्रिकल लेनी चाहिए या जिसको इंजीनियरिंग भी लेनी चाहिए, बिकॉज आई वॉज गुड इन बायो, मुझे हमेशा लगता है यार मैं बायो में अच्छी थी, मैथ्स तो मेरा कभी अच्छा था ही नहीं, तो जब मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन किया ना, कॉन्सेप्ट्स तो मेरे बढ़िया थे, मैं
वहां पे क्या दिक्कत है, यू नॉट बिलीव. मेरे को 7+3 करना नहीं आता था. 7+3 10 करने में मेरे को सांस चिढ़ जाती थी यार. 8 9 10 मैं ऐसे करती होती थी. तो मुझे ऐसा लगता है यार, मतलब मैं इतनी खराब हूँ मैथ्स में, तो मैं कैसे कर लूंगी. इंजीनियरिंग सर्विसेज की तो बैकबोन मैथमेटिक्स है. मुझे बहुत डिप्रेशन होता था. मुझे लगता था नहीं, मेरे से नहीं होगा. मैंने लाइफ खराब कर लिया, बीटेक भी कर ली, एबीबी भी कर लिया, उसको भी छोड़ दिया, अब मेरे से कुछ भी नहीं होगा. तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो 2-3 दिन तो मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया. 37 × 48 मैं पेपर पे करती थी. मतलब मुझे अब हंसी आती कि मैं वो करती थी बैठ के, कि हाँ मेरे को भी मैथ स्ट्रॉन्ग करना है. तो मेरी फ्रेंड ने बोला ये मत कर यार, तू क्वेश्चन ही कर हाथ से करते, को टाइम लग रहा है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है. सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर, 1 मार्क जैसे गेट के होते हैं, तो उनको आप कैलकुलेटर यूज मत कर, तू बिल्कुल हाथ से कर. 2 महीने ऐसे किए यार, हो गया. मतलब दिस इज नॉट समथिंग जिसको आपको देख के डरना, किसी भी चीज से नहीं डरना. इफ आई कैन, आई एम सेइंग आई एम नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, मैं बहुत नॉर्मल हूँ. अगर मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है. इनफैक्ट दुनिया का कोई भी इंसान अगर सोच ले मैं ये कर सकती हूँ या ये कर सकता हूँ, तो मतलब यू कैन डू इट. बस प्रैक्टिस करो. मतलब इफ यू आर नॉट बॉर्न विद दैट टैलेंट, देन क्रिएट दैट टैलेंट. ऑल आई कैन से इज दिस, मैम विच सब्जेक्ट रीड फॉर ASE इन फर्स्ट ईयर, नेटवर्क्स. मतलब फर्स्ट ईयर में आप नेटवर्क्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आप लोग शायद उसमें भी पढ़ते हैं ना, आप लोग ये IIT में भी ये सब नेटवर्क्स तो आप पढ़ते ही हैं. तो फिर आप नेटवर्क से स्टार्ट कर सकते हैं. एप्टीट्यूड की किताब मंगवा लीजिए, ये जो आती है MADEZY ESE अकेडमी किसी की भी, और मैथ्स, मतलब मैथ्स एप्टी और नेटवर्क, ये आप फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं. नेटवर्क इज द बेस ऑफ इंटायर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की. तो अगर आप नेटवर्क में स्ट्रांग हैं, तो एनी इन्फो ऑफ रेलवे एग्जाम फॉर ESE अभी 2 साल में करेगी, अलग से एग्जाम लेगी रेलवे. तो अभी वो उसका बन रहा है कि अभी कॉमन एग्जाम लेगी. मतलब कुछ सर्विसेज सिविल सर्विसेज से भी आती थी रेलवेज में, और हमारी 4 होती थी 5 होती थी, एक स्टोर्स भी होती. तो अभी उन्होंने कॉमन एग्जाम का डिसाइड किया है, और कॉमन एग्जाम अभी 2 साल में स्टार्ट करेगा. अगेन फॉर 2 ईयर्स रेलवेज विल नॉट. तो हाँ, तो अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए ऑलवेज. लाइक अगर आपको लगता है ये चीज मेरे में कम है, सो स्टार्ट वर्किंग फॉर इट, आप वो टैलेंट डेवलप कर लेंगे. सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट. बहुत लोग ना बैठे रहते हैं, मतलब यार ये टाइम तो मस्ती करने का, तो यार यू डिवाइड द टाइम. ये वाला टाइम में मस्ती करूंगा, ये वाली टाइम में 3 घंटे में डेडिकेटली पढ़ूंगा. इवन इफ यू स्टडी फॉर लाइक 1, 2 और मे बी लाइक 3 पढ़ लेंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा. 2 से 3 घंटे अगर आप डेली दे देंगे सिर्फ पढ़ाई, उसमें आप दोस्तों के साथ मस्ती नहीं कर रहे हैं, उसमें आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, फोन पे चेक नहीं कर रहे हैं क्या नई रील्स आई हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. तो अगर आप इतना भी कर लेंगे ना, आपका कर रहे हैं गेट कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, आपका करियर सेट हो जाएगा. जस्ट बी कंसिस्टेंट. आप रोज 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे दीजिए. और मतलब पहले पहले तो क्या होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं. आपको ऐसे लगेगा यार या मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ आउटपुट फील नहीं हो रहा है. वो सबके साथ होता है. बस आप लगे रहिए, अपने आप चीजें सॉल्व होती जाएंगी. इट इज नॉट ईजी कि आप लगे रहें इतने लंबे टाइम तक फॉर एन एग्जाम. अगर आप फर्स्ट ईयर से शुरू कर रहे हैं तो बहुत लंबा टाइम, तो आपको बीच बीच में लगने लगेगा नहीं यार सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, या फिर मेरे से हो ही नहीं रहा है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा. जस्ट कीप गिविंग टेस्ट, उससे आपको आपकी रैंक भी दिखती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहे होते हैं. आप पढ़ते रहेंगे, एंड फाइनली जब आप फाइनल ईयर के साथ ही करियर सेट कर लेंगे ना, यू विल फील यार मेरी मेहनत सफल हुई. जैसे शायद सृष्टि जयंत देशमुख मैम जो है, जो सिविल सर्विसेज से है, फाइनल ईयर के साथ उन्होंने सिविल सर्विसेज निकाले. सो मतलब अगर आप कॉलेज से ही लग जाते हैं, सो योर करियर आप सेट कर सकते. देन हाँ, टाइम मैनेजमेंट में आपको हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. आप जैसे मैंने बताया, अगर आप 2 घंटे भी डेली पढ़ते हैं, बाकी टाइम में मस्ती करिए, बट जब आपने 2 घंटे डिसाइड कर लिए उतने में पढ़ना ही पड़ना. करियर मत डिले करिए. देखिए मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप 22 साल में लग जाते हैं बहुत अच्छी बात, 23 साल में लग जाते हैं, एक बार आप 25 क्रॉस करते हैं, सोसाइटी आपको इतना गंदा गंदा बोलती है जिसकी कोई हद नहीं, और वो सुनना बहुत टफ. मतलब आपको ऐसा लगता है इससे अच्छा मर जाओ, बहुत गंदे गंदे थॉट्स आते. सो करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है मुझे. तो अभी मैं आपको एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ. आई गॉट द हाईएस्ट इंटरव्यू मार्क्स जब मैंने, मेरा जो 19 है, मैंने 18 में भी इंटरव्यू दिया था, उसमें तो मेरे 120 थे, बट इन माय 19 आई गॉट हाईएस्ट इंटरव्यू मार्क्स. तो मैं अपने इंटरव्यू की आपको एक स्टोरी शेयर करती हूँ, एंड बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका, बट यस दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर. तो मेरा क्या था, मैंने जब ABB छोड़ दिया तो मेरे को पहली बात तो मेरे को मैथ्स में प्रॉब्लम थी, फिर मुझे मेमोरी में अंडर कॉन्फिडेंस, तो मैं कर नहीं पाई थी. मुझे लग रहा था हर टाइम, मुझे लगता था मैं नहीं कर सकती. फिर जॉब छोड़ने के बाद ना, ऑल ऑफ अ सडन जब मेरा 18 में नहीं हुआ, मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ, और मैं जितने भी एग्जाम्स दे रही थी, मेरा 0.25 मार्क्स से रह जाता था गेट भी ऐसे.
हर एक एग्जाम कोल इंडिया लिमिटेड, मैंने बहुत एग्जाम्स दिए, बहुत सारे होते हैं ऑप्शन, हर एग्जाम आप देखेंगे 1 मार्क से कम में रहते हैं हर एग्जाम. तो मुझे ऐसा लगता था लक जैसे मेरे साइड ही नहीं, और मैं टेस्ट सीरीज में देती थी, मेरी रैंक कभी कभी टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 ऐसे ही रहती थी. तो मुझे लगता था यार मेरे साथ क्या हो रहा है. फिर मैं घर पर आ गई थी और मैं घर पर मैं प्रिपेयर कर रही थी, और मैंने एक लोकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, वहां पे मैं डिप्लोमा होल्डर्स को पढ़ाती थी. तो मैंने ये बात किसी को बताई नहीं थी, ना मैं कहीं पे अपने कहीं सीवी में मेंशन करती थी कि मैं पढ़ा रही हूँ. क्या 9-10 हज़ार की नौकरी थी वो, बस इसलिए कि मेरे को फील हो कि मैं, मतलब कि मैं कुछ तो कमा रही हूँ, बस ऐसा करके. वैसे तो मैं वापस जा सकती थी प्राइवेट सेक्टर में, बट मुझे था कि यार मेरे को घर पे इंजीनियरिंग सर्विसेज करनी, मतलब ये मेरा एक ऐसे एम बन गया था. तो वहां पर ही बीच में मेरा एक एग्जाम क्लियर हुआ था SJVN का, जो मैंने कॉलेज में भी फाइनल ईयर में ट्रेनिंग वहीं पे करी. SJVN एक PSU है, मिनी रत्ना हिमाचल की, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड. तो वहां पर मेरा रिटर्न क्लियर हुआ एंड आई गॉट गुड मार्क्स इन रिटर्न. और मुझे था कि यार मैं तो, मैंने ट्रेनिंग भी अच्छे से करी थी, मैंने रामपुर जाके बढ़िया ट्रेनिंग करी थी. मेरे को पता था सर्च टाइम क्या होता है, मुझे पता था कि हाँ वो कैसे काम करते हैं उसके जनरेटर्स, सतलुज में प्रॉब्लम क्या, सब अच्छे से मेरे को पता था. मैंने कहा अब तो कुछ भी पूछ लो, मेरे को सब पता है तुम्हारे बारे में, मैं तो अच्छे से करूँ. मैं वहां पे इंटरव्यू में गई, 9 लोगों का पैनल था. आई एम बेसिकली, मैं हिमाचल में ही मैंने सारी एजुकेशन करी है, बट माय फादर इज फ्रॉम पंजाब. तो उन्होंने जाते ही मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा, तुम अरोड़ा हो, तुम हिमाचल की तो नहीं हो. मैंने बोला हाँ सर मैं पंजाब की हूँ. एंड ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम पंजाब. तो मुझे मुझे अंदर से लग रहा था अरे वाह, एक तो मैं मतलब हिमाचल से हूँ, तो ये PSU मेरे स्टेट की है, प्लस जो चेयरमैन है वो पंजाबी है, एंड मेरे पापा पंजाब से हैं, तो बस मेरा सिलेक्शन तो पक्का है, और मेरे को आता भी SJVN का सब कुछ है. तो मेरे को बड़ी कॉन्फिडेंस थी कि हाँ मेरा हो जाएगा इसमें. उसके बाद उन्होंने स्टार्ट, ये तब की बात है जब मेरे UPSC का जो 19 का इंटरव्यू है उससे 10 दिन बचे थे उसको, अगले मतलब आफ्टर 10 डेज मेरा UPSC का इंटरव्यू था. और मैं, इंटरव्यू मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुझे हमेशा से लगता है आई एम गुड एट इंटरव्यू. तो मैं वहां पर गई, और उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला तो तुम इतने टाइम से अपने बाप के पैसों पे हो. दिस वॉज हिज स्टेटमेंट उस चेयरमैन का. और फिर सारे 9 के 9 लोग हंसे उस पर. उसके बाद उन्होंने मेरे को आधा घंटे का मेरा इंटरव्यू चला. उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मेरे को कितनी टेक्निकल नॉलेज, उनको बस मुझे जलील करना. आधा घंटा उन्होंने मुझे अच्छे से बैठा के जलील किया. मतलब लास्ट मोमेंट पे उन्होंने शायद मुझे जाने को भी नहीं बोला, गेट आउट बोला था, पता नहीं क्या बोला था, बहुत गंदा बोला था. और उसमें भी वो हंस रहे थे. मतलब वहां पे एक लेडी मेंबर भी थी, बट उसको भी कोई तरस नहीं आ रहा था. मेरी मुझे लगा यार रोके भी क्या हो जाएगा, मतलब मेरी जिंदगी में वैसे ही सब कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे भी रो दूंगी तो क्या, मैं रोना नहीं है मुझे. बट मैं बहुत डिप्रेशन आई कैन यूज दैट वर्ड, मैं बहुत डिप्रेस थी उस टाइम पे. तो ये था मेरे UPSC इंटरव्यू से 10 दिन पे. फिर मैं घर पे आई तो मैंने पापा को ये बताया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा पापा मम्मी को बताऊंगी तो मैं इतना रोऊंगी और वो भी रोने लग जाएंगे, और मेरे को ये सब ड्रामा नहीं चाहिए. मैं ऑलरेडी टूटी हुई हूँ और मेरे को और किसी को तंग नहीं करूँगी. तो मैं घर पे आई, मैं चुप चुप थी. पापा कह रहे थे क्या हो गया, मॉक इंटरव्यू दो ना. मेरे को लगा नहीं पापा मॉक इंटरव्यू नहीं देना. तो पापा मेरे एकदम पीछे पड़ गए कि नहीं तुम मॉक इंटरव्यू दो, तभी तो तुम तो मुझे लगा कि अरे शायद ये लोग मतलब I think we lost you somewhere when you were, your father was telling you to give mock interviews. So we lost. Okay sir, I'll continue from this. So मैंने mock interview दिया and those people started saying me कि उनको लगा कि मैं electronics से हूँ. मतलब मैंने mock interview अपने actual interview में 13th September को मेरा interview था, और अराउंड 7th-8th को मैंने मॉक दिया था. तो उन्होंने मुझे बोलना स्टार्ट करा, या 10th को दिया था, मतलब बहुत पास में था वो उसके. तो फिर उन्होंने, उनको लगा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, और मुझसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस पूछने लग गए. और मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे. पहली बात तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ते हैं सिर्फ ESE के लिए एक एक्स्ट्रा, एडवांस्ड कम्युनिकेशन तक तो जाते ही नहीं है. फिर उसके बाद वो मुझे कुछ DSP पूछने लग गए. अब मैंने ABB में काम किया तो कुछ कुछ आंसर कर दिया, बट इतना डिटेल में नहीं जितना एक SNT या इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट करेगा. तो वो मुझसे पूछते रहे. फिर उन्होंने मुझे लास्ट में बोला, इंटरव्यू जनरली आधा घंटा तो चलता ही है मिनिमम,
मेरे को 14 मिनट के बाद उन्होंने बोल दिया कि आपको पता नहीं कैसे आपने प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किए है, हमें तो नहीं लग रहा आपने कैसे क्लियर किया है, अब जो थोड़े बहुत दिन बचे हैं आपके 13 को कुछ कुछ तो आप मैडम पढ़ लेना, आपको आता कुछ है नहीं, ये बोला उनका स्टेटमेंट था वैसा, और उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब उसके बाद तो मैं वहां पे 15 मिनट ना स्क्रीन को देखती रही कि अब तो मैं नहीं दे सकती यूपीएससी, मेरे में कोई हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया जो मेरी, मतलब आई वुड से उसने तो मेरी जान ही बचाई। मैंने उसको बोला यार मेरे साथ ये हुआ है एसजेवीएन में, मेरे को बोला है कि तुम अपने पापा के पैसों पे, वो बात तो मेरे दिमाग से पहली बात निकल ही नहीं रही है, और दूसरा अब मेरे को ये बोल दिया कि तुमने प्री और मेंस कैसे क्लियर किया, ये इनको नहीं पता। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि इनको गलत समझ में आया है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं हूँ, मुझे लगा कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी डिग्री है, मे बी उस वजह से मेरे से एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ रहे हैं लोग। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे एक ही चीज बोली, यू विल डू वेरी गुड इन इंटरव्यू, यू विल डू वेरी गुड इन इंटरव्यू। मैंने बोला कैसे करूंगी, एक घंटा बस वो मुझे और कुछ नहीं बोला, मुझे यही बोला तू बस अपने आप को यही बोलती रही यू विल डू वेरी गुड इन इंटरव्यू, मैंने बस यही बोला। एक दो दिन मैं यही बोलती रही, फिर पता नहीं मैं थोड़ी थोड़ी सी पॉजिटिव हुई कि यार इंटरव्यू तो देना ही है। फिर मैं 13th को गई, आई वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट इंटरव्यूड ऑन फ्राइडे। मैं बहुत सारी चॉकलेट्स लेके गई थी क्योंकि पापा कहते थे शुगर खाने से एकदम मस्त आपका दिमाग सही रहता, तो मम्मी ने बहुत चॉकलेट्स डाल दी थी, तो मैं बस चॉकलेट्स खा रही थी पूरे टाइम, मैं चॉकलेट्स ही खा रही थी वहां बैठ के। फिर आई वेंट देयर, मैंने एक चीज सोच ली थी इस इंटरव्यू में, मैंने 18 में क्या गलती करी थी इंटरव्यू में, मेरी एक फ्रेंड बहुत अच्छी थी इंटरव्यू में, तो मैंने उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, उसके बोलने के स्टाइल को, उसके चलने के स्टाइल को। इस बार मैंने सोचा था मैं वो नहीं करूंगी, मेरे उस टाइम पे भी 120 थे, 120 मतलब 200 में से ठीक ठाक नंबर होते, बट इस टाइम मैंने सोचा था कि मैं जैसी हूं ना, शुचिता हूं मैं शुचिता की तरह जाऊंगी, मैं हर आंसर सही सही दूंगी, मैं ऐसे नहीं, मतलब मैंने क्यों एबीबी छोड़ी, मैं एकदम सच बोलूंगी, सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, हाँ मैं बहुत नेगेटिव नहीं बोलूंगी बट मैं सच सच सब कुछ सच बोलूंगी, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ मैं सच बताऊंगी, मैंने कुछ भी कहीं पे भी ब्लफ नहीं करना, हर चीज मैंने अच्छे से बोलनी है, और मैं जैसी हूँ मेरी वैसी ही पर्सनैलिटी रहेगी, ये सोच के मैं गई थी। अब मैं अंदर गई, उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाई डिड यू लीव एबीबी, एबीबी सच अ गुड कंपनी, मैंने जो सच था मैंने बोल दी। सर को बहुत गुस्सा आ गया, चेयरमैन को इतना गुस्सा आया, मतलब उन्होंने उनकी एक फाइल पड़ी थी उनके टेबल पे, उन्होंने थोड़ी सी उसको पुश करी मेरी तरफ और उन्होंने बोला कि हर एक आंसर तुम्हारा स्क्रिप्टेड है। तो उस टाइम पे मतलब मुझे लगा ये भी गया, मतलब दो इंटरव्यू तो मेरे बहुत बढ़िया हुए हैं, ये भी ऐसा ही जाएगा, अब तो बस हो गया मेरा कोई सिलेक्शन भी नहीं होगा। उस टाइम पे मेरे दिमाग में इतने सुसाइडल थॉट्स आते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, तभी आई विल टेल यू करियर को जितना जल्दी हो सके उतना सॉर्ट कर लीजिए, बिकॉज बाद में बहुत गंदा टाइम आप फील करते हैं। तो बट फिर भी उस टाइम पे मेरे को सुकून था, मैंने बोला नहीं लास्ट टाइम तक मैं अब रोऊंगी नहीं, ना मैं सोचूंगी रोने का, मेरे को बस इंटरव्यू देना अच्छे से। बाकी मेंबर्स में से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने लगे, एक्सप्लेन मी हाउ एन इंडक्शन मोटर वर्क्स, मेरे को एक्सप्लेन इट टू अ लेमैन, तो मैं इन सब चीजों में बहुत अच्छी थी, थ्योरी मेरी शुरू से ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब चीजें आपको वैसे भी आ जाएंगी जब आप इतना पढ़ लेंगे। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने लगी, फिर मेरे से कुछ कुछ उन्होंने वही स्केडा सिस्टम का पूछा क्योंकि एबीबी स्काडा पे बहुत काम करती है, मैं आंसर दे रही थी। फिर मैम ने कुछ पूछा वुमेन एम्पावरमेंट पे, वो कुछ कुछ तो मैं आंसर दे रही थी। फिर अचानक से चेयरमैन को पता नहीं क्या हुआ, फिर से वो मेरे से बात करने लगे, फिर उन्होंने मुझसे मेरे DAF जिसको मैं बोलती हूँ बायोडेटा जैसा आपका होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो उनके पास हमारा पड़ा होता है, जिसमें हम सारी डिटेल्स भरते हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपने लाइफ में क्या किया है, क्या मेडल्स मिले हैं, सब कुछ लिखा होता है उसमें, उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, जैसे कॉलेज में मैंने जो जो किया था उसमें जो जो मैंने मेंशन किया था सब उन्होंने मेरे से पूछा। फिर थोड़ी देर के बाद वो कंफर्टेबल हो गए मेरे साथ और वो हंसने भी लगे, तो मुझे लगा चलो एवरीथिंग इज बैक ऑन ट्रैक, अच्छे से सब सारे, उस दिन तो ऐसा था मेरा लक कितना अच्छा था, मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे, जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आई एम सॉरी भी बोलना पड़ता है, बट उस दिन मतलब भगवान मेरे साथ थे, बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ था, मुझे सारे आंसर आते थे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा तुम पोएम्स लिखते हो, तुम पोएम्स सुनाओ, और फिर मैंने अपनी पोएम्स सुनाई, मैंने दो लिखी थी और मेरी मम्मी ने मुझे बोला था तुम लिखती हो पोएम्स, तुम याद नहीं करती हो अपनी पोएम्स, तो याद करके जाओ इस पर अपनी पोएम्स, तो मैंने दो पोएम्स अपनी याद कर ली थी जो मैं खुद लिखी थी, तो सर ने बोला तुम सुना सकती हो, तो मम्मी की वजह से मेरे को याद थी अपनी पोएम्स, मैंने सुनाई, सर बहुत खुश हुए और सर की आंखों में आंसू थे मेरी पोएम सुन के, मुझे लगा वाह यार मतलब मैं भी ठीक ठाक पोएम लिख लेती हूँ, सर को अच्छी लगी है मेरी पोएम। एंड देन जब इंटरव्यू कंप्लीट हो गया तो सर ने मुझे बोला आज तो 13 सितंबर है, कल तो तुम्हारा बर्थडे था, लाइक माय बर्थडे इज ऑन 12 सितंबर, तो सर ने बोला हाउ डिड यू सेलिब्रेट दैट, उस टाइम पे ना मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा यार खुशी को एक्सपीरियंस किए हुए ना मुझे बहुत टाइम हो गया, तो क्या बर्थडे, कुछ बर्थडे नहीं। तो मैंने बोला सर आई जस्ट एवरीबडी विश्ड मी, एवरीबडी इन माय फैमिली विश्ड मी। और उस टाइम पे ऐसा माहौल था जब मैं तैयारी कर रही थी, मम्मी पापा को छोड़ के जितने मेरे रिलेटिव्स हैं वो सब इस तरीके से बोलते थे यार शुचिता तुम्हारी शादी कर दो, शुचिता तुम शादी कर लो, कब तक अपने मम्मी पापा पे रहोगे। तो
ये चीज मुझे वो बोलते ही रहते थे, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, बट फर्क मुझे वहाँ SJVN में जो पैनल मेंबर्स थे उनका पड़ा था. तो मैंने बोला, फिर सर ने मुझे बोला, यू नो वॉट, नेक्स्ट ईयर योर बर्थडे विल बी अ बैच, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बोला. और मैं उनको देखती रह गई कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा बोला कि नेक्स्ट ईयर तुम अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो. एंड बस उसके बाद जब मैं बाहर निकली, आई न्यू मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया. एंड आई वॉज द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ माई बैच, एंटायर बैच, मतलब इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एवरीबडी. आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, गॉट 146 आउट ऑफ 200. एंड इसीलिए मैंने ये शेयर किया क्योंकि कई बार आपका टाइम खराब चल रहा होता है, बट अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते रहे, अपने आप को पुश करते रहे, यू कैन अचीव वॉट यू वॉन्ट. सो दैट इज ऑल आई हैड टू से. आई थिंक आई हैव टेकन इनफ टाइम. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर. Is ma'am 6 hours daily enough for 1 year preparation and like GATE finally a student is? Ah, 6 years is like more than enough. इतना ज़्यादा tough exam नहीं है GATE और ESE, I will say कि आप 6 घंटे पढ़ लेंगे ना, आप EIR 1 ला सकते हैं. बस ये है कि आपको strategy सही पता होनी चाहिए और consistent रहना. ऐसा नहीं एक दिन 6, अगले दिन 1 घंटा भी नहीं, उसके बाद ऐसा. आप 4 घंटे भी daily पढ़िए, 5 घंटे भी daily पढ़िए, but final year के लिए obviously थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 5-6 घंटे, 4-5 घंटे भी बहुत है, but be consistent. तो वो पक्का हो जाएगा. दीज एग्जाम्स आर नॉट टफ. व्हाट वाज योर एज? आई एम 93 बोर्न और मैंने 19 में इंटरव्यू दिया था. सो अब आप कैलकुलेट करिए, 25-26 की थी तब मैंने इंटरव्यू दिया. 25-26 यस. दैट इज ऑल सर फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सर. एंड द सेशन इज ओपन फॉर ऑल फॉर सर्टेन क्वेश्चंस इन केस यू वांट विश टू आस्क एनीथिंग. First and foremost, I want to, before formally closing the session, I have, in fact, I think, don't think there are many questions which are coming up from her side, and she has been very generous in mentioning many things, but I wanted to share a couple of things. I also gave the SJVNL exam way back in my time, just after passing out, and that was the only interview in which I didn't miss any question from answering. Oh, that's right. Nice. But I also didn't get selected over there. And that's why I didn't get selection over there. And as such, I'm here. And there was another interview where I didn't answer even a single question in my DRDO exam. And I felt that they must be feeling that how come this fellow went on to clear the exam in the first place. So, but unlike your case, I was never humiliated by them. They were very kind people. I even didn't answer one very simple question about, say, transformer. What will happen to a transformer in case you feed a DC to it? So I missed that question. And they were very kind people. They didn't say even a single word to me. Only thing was that first question went haywire, and then nothing went on track afterwards. But I never felt that anybody whom I taught will be weak enough to have a suicidal tendency. So next time onwards, I'll keep check on that my students are self-motivated. I always felt that my students are so strong that they can do wonders and never have that type of mentality even when the sky is falling. Then also yes, they will this never is much feel. Needed. So much probably I was not able to inculcate that feeling in many of my students. This why I felt today. So from next time onwards, I'll have to keep this message strong and put it across to my all students so that they never feel like that, because it's not like people are feeding on their parents at any stage. Parents are the backbone, and they are the only ones who will have unconditional support in addition to teachers, because these are the two people who feel always that the people whom they are associated with, they go far, far ahead of them. Agar Pitashri Jai honge, to wo hamesha bolenge, Jai nahi banna, SDO bano, axiom bano. Kabhi wo ye nahi bolenge ki, nahi yaar, tum line man hi ban jana. Unko kabhi aisa lagega nahi ki tum unse niche jao. And they will be more happy when you go ahead of them. स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल्स विद द, ही वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन एट दैट टाइम,
always to herself and not very extrovert type of individual, because in her class there were many extrovert individuals, and she had a very vibrant class. And one of them, I'm not exaggerating at in front of her, but I believe that was one of the sharpest batches taught by me in my entire career of somewhere around more than 15 years. So she had a very vibrant batch. In fact, many of her, we have conducted around 11 talks, and I've got three of the speakers from that batch only. So they were kind enough to listen to me also. So I hope this talk must have been very good. So for formal vote of thanks, I'll just answer a few questions. So one, Abhay has asked how to cover power electronics in an effective way. So for power electronics, I feel one thing is obviously your college, जो फैकल्टी है. अदर थिंग इज जो मुझे ऐसा लगा कि सारी वीडियोस क्रिएट्रिक्स ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सर हैं, कौन से सर हैं, एक सर है ना जो क्रिएट्रिक्स वाले, नाम भूल गई उनका, जो भी है, उन्होंने सारी वीडियोस जानी, जो मतलब उसका ओनर है क्रिएट्रिक्स का, उन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करी है उन वीडियोज में, पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो सब उन्होंने डाला, पावर सिस्टम भी डाला था. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप वो वीडियोज एक बार देख लीजिए एंड देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. मेरे को याद है मेरे को बग बूस्ट के क्वेश्चंस बहुत टफ वाले एसी के होते नहीं थे. आई जस्ट वॉच दैट वीडियो, 20-25 मिनट की थी, एक बग पे थी एक बग बूस्ट पे थी. तो वो करके तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ. और इंजीनियरिंग सर्विसेज पे क्वेश्चन आया था तो वो मैंने आराम से कर लिया, मतलब वो कॉन्सेप्ट है उसका. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप वो वीडियोज देख लीजिए, ये तो कॉलेज में जो आपको पढ़ा रहे हैं हमने. और वॉट इज योर बेस्ट मेमोरी ऑफ कॉलेज? कॉलेज में बहुत सारी चीजें हुई हैं. अब बेस्ट मेमोरी ऑफ कॉलेज मैं आपको बोलूंगी, क्या बोलूं मैं, बहुत सारी चीजें अच्छी थी, मतलब फ्रेंड्स के साथ बताऊं क्या बताऊं, वह बहुत सारी थी है. मतलब जब मेरा बर्थडे मनाया सब सारे लोगों ने मिलकर, दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट. बट जो मुझे सबसे ज्यादा याद आती है वो मुझे पेरेंट्स से रिलेटेड आती है, बिकॉज नाउ आई एम लाइक मोर अटैच टू देम. आई एम मैरिड ऑल्सो नाउ, तो आई एम मोर अटैच टू माय पेरेंट्स. तो उनकी एक मेमोरी है कि जब मैं कॉलेज में आई थी तो मुझे लगा था कि मम्मी पापा सिर्फ भाई से प्यार करते हैं, मेरे से तो करते हैं नहीं, तो ऐसे ठीक है कोई बात नहीं. तो फिर जब मैं मेरे को छोड़ के जाने लगे मम्मी पापा, तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल रोई भी नहीं. मुझे लगा ठीक है अब तो मस्त शिवम को प्यार मिलेगा मेरे भाई को, मुझे तो वैसे भी कोई करता नहीं है. तो आई सॉ माय पेरेंट्स क्राइंग, पापा को रोते हुए देखा, मम्मी तो चलो मैंने रोते हुए पहले भी देखे. तो मुझे ऐसे रियलाइज हुआ यार मम्मी पापा मेरे से बहुत प्यार करते हैं. वो मेरे लिए वो मतलब वो हमेशा मुझे याद रहता है, बिकॉज आई थिंक दैट डे आई फेल्ट कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं. एंड यू नो ऐसे सोचना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा था. बाकी कॉलेज वाज गुड, आई चेरिश ऑल द मेमोरी सारे फैकल्टी के साथ जो के साथ, इट वाज गुड, यस एवरीथिंग वाज गुड. माय समहाउ वी लूज कनेक्शन विद आवर फ्रेंड्स व्हाइल स्टडीइंग एंड ऑल, हाउ डू वी डील विद दैट? वी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, वी समहाउ लूज कनेक्शन. देखो यू आर अचीविंग फॉर अ थिंग जो आपकी लाइफ बदल देगा. एंड एक चीज है ये जो आपको लाइफ में याद रखे, जो लोग आपकी लाइफ में रहने वाले ये आपको बहुत लोग ज्ञान देते हैं, बट दिस इज ट्रू. एज यू आगे आगे बढ़ेंगे 27-28-29 साल के, रियलाइज जो लोग आपकी लाइफ में रहने वाले हैं वो हमेशा रहने वाले, उनके लिए ये बात फर्क ही नहीं डालेगी कि आप तैयारी कर रहे हैं, वो खुश रहेंगे. वो कभी भी आपके प्रिपेयर, आपके मम्मी पापा कभी छोड़ देते हैं आपको तैयारी करते टाइम? नहीं छोड़ते ना. आपके भाई बहन, आपके बहुत अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे. सो ये लाइफ का एक मैं बता रही हूँ, करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो करियर को प्रायोरिटी दो. और ऐसा नहीं है आप बिल्कुल ही बात करना छोड़ दोगे, जब लंच कर रहे हो डिनर कर रहे हो बात करो उनसे और उनको ये समझाओ कि ये अभी मेरे लिए प्रायोरिटी. एंड आफ्टर दैट यू नो द पीपल हु आर इंटेंडेड टू स्टे इन योर लाइफ विल ऑलवेज स्टे. बाकी लोग तो यार आप उनके साथ अभी भी दोस्ती कर लो बाद में भी छोड़ दो, नथिंग डिफरेंट. तो इस तरीके से अंकित गोयल सर, हाँ इनकी बात करी थी मैं, इनकी आप वीडियोज देख लीजिए तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से हो जाएगी. ही इज एन एक्सीलेंट टीचर, मतलब इनकी प्रीवियस ईयर बुक भी बहुत अच्छी है और जो गेट की है, मतलब इट इज द बेस्ट बुक. मेड इजी में बहुत एरर्स हैं, एस में भी कुछ कुछ एरर्स हैं, बट ये इट इज लाइक बहुत अच्छी किताब है. इसकी प्रीवियस ईयर गेट तो मजा ही आ जाता है सॉल्व करके. मैम यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लब्स एंड टीम्स ऑफ कॉलेज? हाँ वो एनसीसी में मैंने पार्टिसिपेट किया था और बाकी बहुत बड़े क्लब्स में मैं नहीं थी, छोटे छोटे डायमेंशन पता नहीं क्या क्या कुछ क्लब्स थे यार, मुझे अब याद नहीं है. कुछ छोटे छोटे क्लब्स होते थे उसमें सिंगिंग एंकरिंग ये सब करते थे हम, मतलब बहुत बड़े बड़े जो क्लब्स थे उसमें मैं नहीं थी. और एनसीसी मैंने 1 or 2 किया था और एनसीसी का मुझे इंटरव्यू में ऐसा लगा कि मुझे बहुत हेल्प मिली है, बिकॉज वो सर मुझसे बहुत ज्यादा एनसीसी के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे. एंड मेरे को लगता है एनसीसी का काफी उस चीज में था, मतलब दे गेट इंस्पायर्ड अगर आपने दोनों करे, उसके बी सी कुछ होता है ना, एनसीसी बी एंड एनसीसी सी वो करा था. बाकी बहुत ज्यादा आई वॉज नॉट एक्टिव.
हाँ कुछ कुछ क्लब्स में थी जिसमें एंकरिंग वगैरह चलती रहती थी. दैट्स इट. ओके सर. सो आई विल रिक्वेस्ट मानसा टू गिव अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स टू द स्पीकर. Mansa is our student coordinator. I think she is there with me, or today there is some network connection issue. Mansa is there, but I think I'll ask her to unmute. Good evening, sir. Sir, am I audible? Yeah, you are audible. Thank you, ma'am, for those inspiring words. I have to tell you that this has been one of the most inspirational guest lectures, most inspirational talks till now. And I have never been so engrossed in any talk. So therefore, on behalf of the Office of Dean Alumni Affairs and Resource Generation of NITH, I most humbly would like to thank you for gracing us with your presence and enlightening us with your words. We are extremely grateful to you, ma'am, for managing these minutes out of your busy schedule. Your words of wisdom have helped us a lot, and I'm sure they'll keep guiding us in our future. And I'm also sure that every student present here benefited from your words of wisdom. Hearing one of our own achieving their pinnacle not only gives us hope, but also motivates us to follow our dream with even greater passion. It was an honor to have you, ma'am. Thank you so much. Thank you all. Thank you, Shuchita, again. We are extremely grateful to you, and hopefully we'll have you sometime in near future in person over here at NIT Hamirpur. Bring your family and visit the campus. Thank you again. So nice of you. Thank you. Thank you very much.